तारा मठ के मठाधीश प्रतापपुरी जी महाराज ने नगर परिषद के कांजी हाउस सहित जेरला व आसपास के इलाकों में गोचर भूमि, खेतों व तालाबों, जल स्रोतों का जायजा लिया। इसके बाद महंत मीडिया से रूबरू हुए। महंत प्रतापपुरी ने मीडिया से कहा कि कांजी हाउस में बड़ी तादाद में गौवंश की मौत होना दुखद है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से सामने आया है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण गौवंशों की मौत हुई है, जो कि गौवंश के वध के समान है। बालोतरा पर गौवंश की मौत का कलंक लगा है। इस कलंक को तभी साफ किया जा सकेगा जब गौवंश की मौत के जिम्मेदारों को कठोर दंड मिले। प्रतापपुरी जी ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांजी हाउस के अंदर पड़ा पॉलिथीन व कचरा व नगर परिषद के सीवरेज नाले में बहने वाला रासायनिक प्रदूषित पानी गौवंश की मौत का कारण है। इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार यहाँ ज्ञापन दिए, लोगों ने संज्ञान में लाया, फिर भी सरकार की शिथिलता के कारण उनका गंदा पानी सीधा पूरे परिसर में आता है और ये गोचर की जो 1100 बीघे जमीन है पूरी के अंदर वो पानी फैला पड़ा है। ना तो गाय तरह ऐसा घास है और बेचारी गाय इधर उधर घूमती आती तो उस पानी को पी करके मर रही तड़ तड़ के। पहले तो इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो, ये फैक्ट्रियां बंद हो जो अवैध रूप से चलती है, और ये पानी बह करके जो आ रहा है ये पूरी उपजाऊ जमीन और गोचर जमीन इसको बर्बाद करे, और जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी पैसा उठाया परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो बंद पड़ा है। उस ट्रीटमेंट प्लांट को सही ढंग से चालू किया जाए और पानी का निस्तारण सही किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तो ये बालोतरा के लिए बहुत कलंकित काम है और बालोतरा की जनता अब आक्रोशित हो चुकी है। हम सब लोग साथ हैं। हम थोड़ा सा आप सांकेतिक शब्दों में कहना चाहते हैं कि ये जो घटना घटी है सबको दुख और पीड़ा हुई है। गौ माता तो मरी मरी है, उसके साथ गोचर भी बर्बाद हो रही है, और साथ ही साथ नगर परिषद की जमीन जो अरबों रुपए की जमीन है जिस पर कुछ असामाजिक लोग कब्जा करके अपने मिल और फैक्ट्रियां चला रहे हैं और अपना घर चला करके हम सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों तरफ से कार्रवाई हो, जो अवैध फैक्ट्रियां चले उनको कानून बंद किया जाए, उनको यहां से हटाया जाए, और जो गंदा पानी आ रहा गोचर को बर्बाद कर रहा है इस पानी को रोका जाए, और जो गाय मरी है जिनकी लापरवाही से मरी है उन पर वही अधिनियम धाराएं लगा करके कानून के दायरे में जांच करके उनको सजा दी जाए। ये हम सबकी मांग है। जितने हम लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, गो भक्त बैठे हैं और बहुत सारे समाज सेवी बालोतरा और आसपास के सब लोग हैं, ये मांग है। मैं भी आपके बीच में इसलिए आया, मुझे संज्ञान में लाया, मैं तुरंत आया हूँ। पहले भी मेरी वार्तालाप हमारे संसदीय बंधुओं से हो रही थी और आज मुझे यहाँ आने का मैंने पूरा तय करके आया हूँ। अब इस विषय को गंभीरता से सरकार ले और सरकार की जो शिथिलता और लापरवाही है अपने को दिख रही है, इतनी भयंकर लापरवाही तो कभी सोचा कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा ही करते रहेगी तो उग्र रूप लेंगे। बालोतरा स्वच्छ रहे, गाय बचे, पर्यावरण बचे और गोचर बचे।